गुड मॉर्निंग माय डियर कैडेट्स, नमस्कार। आप सब कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं बालकृष्ण आज आपको एक हिंदी गद्य पाठ समझाने के लिए आया हूँ। हमारा शीर्षक है दुख का अधिकार और हमारा विषय है हिंदी गद्यांश। इसका लेखक है डॉक्टर यशपाल। इस कहानी के माध्यम से यशपाल अपनी कहानी में क्या बताना चाहते हैं और इस कहानी का सार क्या है और इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आइए जानिए। हमारा शीर्षक है दुख का अधिकार। दुख का अधिकार, भूमिका। दुख सभी को तोड़ता है, दुख में माता मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है ना अवकाश। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। दुख का अधिकार, सार। दुख का अधिकार एक व्यंग्यपूर्ण रचना है। इस कहानी के माध्यम से इस बात पर दुख प्रकट किया गया है कि लोग गरीबों के दुख को दुख नहीं समझते। हमारे देश में कुछ अभागे ऐसे भी हैं जिन्हें दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। हमारे समाज में किसी की पोशाक देखकर स्तर निर्धारित किया जाता है। मनुष्य की पहचान उसकी पोशाक से होती है, यही पोशाक उसे अधिकार व दर्जा दिलाती है। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब हम अपने वर्ग भेद से झुककर गरीबों की मनोस्थिति को भी आंकते हैं। उन निचली श्रेणियों की अनुभूति मन को छूती तो है, परंतु पोशाक बंधन बनकर अड़चन डाल देती है। इन विशेष परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोकती है। इस कहानी में एक मार्मिक घटना के माध्यम से गरीबों के दुख को दर्शाया गया है। खरबूजे बेचने वाली घुटनों में मुंह छिपाकर डलिये में कुछ खरबूजे रखकर रो रही थी। उसकी पोशाक को देखकर कोई भी खरबूजे खरीदने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। बाजार में खड़े लोग उसे धिक्कार रहे थे तथा तरह तरह की बातें बना रहे थे। वे कह रहे थे कि सूतक लगे हुए हैं। एक आदमी ने घृणा से थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगाकर बैठी है। एक ने ताना दिया कि इनका धर्म ईमान कुछ नहीं, बस रोटी का टुकड़ा ही सब कुछ है। परचून की दुकान चलाने वाले एक दुकानदार ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहां सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा। क्या अंधेर है, सब उसे ताने दे रहे थे परंतु किसी ने उसकी समस्या जानने का प्रयास नहीं किया। लेखक ने पड़ोस की दुकानों से पूछकर पता लगाया कि उसका 23 साल का जवान लड़का भगवाना सांप के काटने से मर गया था। वह शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में खेती करके परिवार का निर्वाह करता था। परसों सवेरे एक सांप ने उसे डस लिया। मां ने ओझा को बुलाया, झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा की, दान दक्षिणा दी। घर में जो अनाज और आटा था वह दान दक्षिणा में चला गया, परंतु उसका पुत्र भगवाना बच ना सका। सुबह होते ही बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे।
दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दिए। बहू बुखार से तप रही थी, परंतु उधार देने वाला नहीं था, इसलिए वह रोते रोते खरबूजे लेकर बेचने चल पड़ी। वहीं दूसरी ओर हमारे पड़ोस की एक संभ्रात महिला पुत्र की मृत्यु के बाद अढ़ाई मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुकते थे। दो दो डॉक्टर हर पल सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र वियोगी माँ के लिए द्रवित हो उठे थे। लेखक इन दोनों पुत्र वियोगिनी माताओं की तुलना कर रहा था। लेखक के मन में विचार आया कि शोक करने और दुख मनाने के लिए भी सुविधा चाहिए और अधिकार भी। लेखक परिचय: यशपाल, 1903 से 1976। जन्म: यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। शिक्षा: यशपाल ने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, सभी उपन्यास, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, सभी कहानी संग्रह और सिंहावलोकन, आत्मकथा। यशपाल मानते थे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। शब्दार्थ: शब्द, अर्थ एवं टिप्पणियां, अनुभूति, एहसास, अड़चन, विघ्न, रुकावट, बाधा, अधेड़, आधी उम्र का, ढलती उम्र का, व्यथा, पीड़ा, दुख, बेहया, बेशर्म, निर्लज, नियत, इरादा, आशय, बरकत, वृद्धि, लाभ, सौभाग्य, खसम, पति, परचून की दुकान, आटा, चावल, दाल आदि की दुकान, सूतक, परिवार में किसी बच्चे के जन्म होने या किसी के मरने पर कुछ निश्चित समय तक परिवार के लोगों को ना छूना, छूत, कचियारी, खेतों में तरकारियां, निर्वाह, गुजारा, मेल, खेतों के चारों ओर मिट्टी डालकर बनाया हुआ घेरा, दो खेतों के बीच की सीमा, तरावट, गीलापन, नमी, शीतलता, ठंडक, ओझा, झाड़ फूंक करने वाला, छन्नी कपना, मामूली गहना, जेवर। अभ्यास कार्य: प्रश्न, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। खरबूजे बेचने वाली स्त्री घुटनों में सिर गड़ाए फसक फसक कर रो रही थी। लोग बातें बना रहे थे कि बेटे की मृत्यु के कारण सूतक लगे हुए हैं, इसलिए उससे कोई खरबूजे नहीं खरीद रहा था। खरबूजे बेचने वाली स्त्री घुटनों में सिर गड़ाए फसक फसक कर रो रही थी। लोग बातें बना रहे थे कि बेटे की मृत्यु के कारण सूतक लगे हुए हैं, इसलिए उससे कोई खरबूजे नहीं खरीद रहा था।
प्रश्न, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। प्रश्न, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। प्रश्न, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। प्रश्न, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहां तक सार्थक है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। धन्यवाद। एक्स्ट्रा मार्क्स प्रस्तुति। धन्यवाद माय डियर कैडेट्स। इस प्रकार हमने देखा दुख के अधिकार पाठ में यशपाल ने शोषण के बारे में वर्णन किया है और वर्ग संघर्ष के बारे में भी बताया था। प्रगतिशील क्या है, प्रगतिवाद क्या है, इन दोनों के बारे में भी यशपाल ने अपनी कहानी में वर्णन किया है। अब आप अभ्यास कार्य का दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न समझिए और अपनी नोटबुक में लिखिए, बाद में मुझे दिखाइए। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।